ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग आपके बुक के क्वेश्चन के सिलसिला बना रहे थे। 13 तक के क्वेश्चन हमने बनवा दिया था, उससे रिलेटेड हमने बोला था बना लेना आप लोग, ठीक है। आज बारी है क्वेश्चन नंबर किसकी, 14 की बारी, ठीक। चलिए 14 में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉलम वॉलम बना लियो 14 के लिए। देखो ये बट्टे वाला क्वेश्चन है, तो एक काम करो, एक पेज ना वर्किंग नोट के लिए छोड़ दो और बाजू में कॉलम बना लो। पहला पेज वर्किंग नोट के लिए छोड़ दो और बाजू में जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बना लो एक पेज का, जल्दी से। तिथि विवरण राशि विकलन राशि समाकल राशि, जल्दी से कॉलम बना लो, कॉलम बना लो। देखिए कॉलम बन गया आप सभी का। देखिए सबसे पहले 14 में क्या लिखा है, 5000 रुपए के माल को 20% व्यापारिक बट्टे और 5% नगद बट्टे पर उधार बेचा। 5% नगद बट्टे पर क्या किया, उधार बेचा। क्या कह रहा है, 5000 रुपए का माल था और उसमें व्यापारिक बट्टे का जिक्र कर दिया, मतलब 5000 जो है आपका सूची मूल्य है। क्या मूल्य है, सूची मूल्य, याद रखना, ठीक है। तो 5000 रुपए का सूची मूल्य है, तो बताओ माल का सूची मूल्य कितना दिया है, 5000 दिया। तो लिखिए माल का सूची मूल्य बराबर कितना, 5000 रुपए। उसमें माइनस करिएगा क्या, व्यापारिक छूट कितना परसेंट बोला है, 30% है, 20% ओके, 20% है। किसका 20%, 5000 का 20% कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। कितना आ गया माल का वास्तविक मूल्य, 4000 रुपया। आया कि नहीं आया माल का वास्तविक मूल्य, ठीक है, कितना आ गया, 4000। अब इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए, नगद छूट, परंतु इसमें बोला क्या है, उधार बेचा। क्या बेचा, उधार। तो जब भाई उधार बेचा तो नगद छूट मिलेगा क्या, तो यहीं पे आपका काम क्या हो गया, खत्म। तो बोलो बेटा अगर उधार बेचोगे कमल को तो क्या एंट्री करोगे, विक्रय खाते से माल जा रहा ना भैया, किससे, कमल विकलन विक्रय खाते से। और अमाउंट कितना डालोगे, 4000, एक वास्तविक मूल्य, पता है कि नहीं पता है। चलो जल्दी करो, लिखो जल्दी एंट्री लिखो, कमल कमल विकलन, जल्दी लिखा, चलाओ कमल विकलन विक्रय खाते से, कमान कमल विकलन विक्रय खाते से। और अमाउंट कौन सा डालते हैं, हमेशा वास्तविक मूल्य, क्योंकि सूची मूल्य कभी भी रियल प्राइस नहीं होता है और व्यापारिक बट्टा भी कभी रियल बट्टा नहीं होता है, पता है ना। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाए, नरेशन लिख लेना, 20% व्यापारिक छूट पर उधार माल का विक्रय है, 20% व्यापारिक छूट पर माल का उधार विक्रय है, 20% व्यापारिक छूट पर माल का उधार विक्रय है, 20% व्यापारिक छूट पर माल का उधार विक्रय है, समझ गए। ओके नेक्स्ट अगला क्या लिखा, देखो नंबर दो कहता है, किशोर से 2000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट और 2% नगद कटौती के शर्त पर खरीदा। अब इसमें क्या जिक्र किया, नगद है कि उधार है, जिक्र किया क्या, नहीं, यानी कि इसमें, लेकिन अगर इसमें नगद छूट का भी जिक्र कर रहा है तो, और उधार उधार तो बोला नहीं एग्जैक्टली, तो क्या मानेंगे, नगद मानेंगे, ठीक है। क्या ये माल का रियल मूल्य है, नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले क्या लिखोगे, माल का सूची मूल्य। बोलो बच्चों माल का सूची मूल्य कितना है, 4000 का सूची मूल्य है, पहले क्या घटाऊं, 2000 है, 2000 है, बोलो पहले क्या घटाऊं, व्यापारिक छूट घटाऊंगा, सबसे पहले घटाया जाएगा व्यापारिक छूट। बोलो व्यापारिक छूट कितना, किसका 10%, कितना आएगा, 200, कितना आया, 1800, क्या आ गया, वास्तविक मूल्य। क्या नगद दिया, यस सर, क्या घटाऊं, हाँ नगद छूट 2%, किसका 2%, 1800 का, 1800 का 2% निकालेंगे कितना आएगा, 36 आएगा, वेरी गुड, 36 आ जाएगा, झट घटा दूँ, चलो घटाओ, 1800 में 36 घटाऊंगा कितना आएगा, 1764 आएगा, 1764, क्या आया, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे, तो रोकड़ भुगतान किए होगे, प्राप्त किए होगे, प्राप्त किए होगे, भुगतान किए होगे, भुगतान किए होगे। एंट्री क्या बना होगा, क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से, और किससे, बट्टा खाते से, वेरी गुड। चलिए ठीक है, बताइए मैं रोकड़ में कितना रुपए डालूं, 1764, बट्टा में कितना, 3600, और दोनों को जोड़कर कितना, 1800, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है नोट करिए, वर्किंग नोट नहीं, पहले एंट्री करिए, एंट्री एंट्री करिए जल्दी, वर्किंग नोट अंत में करना, सीधा एंट्री करो पहले, वर्किंग नोट अंत में, वर्किंग नोट कहाँ पे क्या बनाना पता है ना, ठीक है लिखो, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से और किससे, बट्टा खाते से करेंगे आप सभी, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से और किससे, बट्टा खाते से। हो गया भाई, नरेशन लिख लो, नरेशन लिख लेना, व्यापारी को नगद छूट पर माल का क्रय करने पर,
माल का नगद क्रय करने पर, व्यापारी का नगद छूट पर, माल का क्रय करने पर, माल का क्रय करने पर। ओके जी, बढ़ जा आगे। चलिए बच्चों अगला देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है सनत को 4000 रुपए का माल 15% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर बेचा, शुद्ध राशि का 50% चेक द्वारा भुगतान किया गया। शुद्ध राशि का 50% क्या किया गया? चेक से भुगतान किया गया। तो बाकी बचा पैसा क्या रहा होगा? उधार, रोकड़ नहीं बोला भाई साहब, बोला 50% चेक दिया, तो बाकी क्या रहा होगा? अगर इसमें लिख देता कि नगद खरीदा तो भले मान लेते, तो क्या मानेंगे इसको? उधार मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बाकी बचा पैसा क्या रहा होगा? उधार है, नगद भी ले सकते हैं जैसा बोलो, इसे नगद ही मान सकते हैं। 4% का था, शुद्ध देय राशि का 50% चेक द्वारा प्राप्त किया, चेक द्वारा भुगतान किया। ओके, हाँ शुद्ध देय राशि बोल रहा है ना, मतलब वही है, 50% नगद है तो बाकी पैसा क्या है? उधार ही मानेंगे। क्या मानेंगे? उधार। तो ऐसे वर्किंग नोट करना पड़ेगा, आता ना, जब आधा पैसा नगद देते और आधा पैसा उधार रहता है तो बोलता, अगर आधा नगद दिए आधा उधार दिए, चेक दिए, तो फिर आप मानते, परंतु यहाँ कुछ नहीं बोला, सिर्फ चेक दे रहा बोल रहा, बाकी पैसा क्या रहा होगा? उधार। समझ गए? नहीं समझे? चलो बताओ, सबसे पहला नंबर 3 बोलो, माल का सूची मूल्य कितना है? 4000। माल का सूची मूल्य जो है वो है 4000 रुपये, ठीक है। बोलो इसमें सबसे पहले क्या घटाऊं? व्यापारिक छूट। कितना? 15%। तो 4000 का 15% कितना आएगा? 600 आ जाएगा। 600 घटाओ कितना आ गया? 3400 आया माल का वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य आ गया 3400। अच्छा बोलो अब क्या करूँ बेटा? नगद छूट तो क्या सब में नगद छूट, पूरा नगद दे रहे हो, पढ़ो ना, अंधे हो, पढ़ो। क्या कह रहा है? हाँ क्या कर रहा है? हाँ क्या है? नगद छूट पर बेचा। किसे बेचा? 5% नगद छूट पर बेचा, ठीक है। लिखा है 5% नगद छूट पर बेचा, आगे क्या लिखा है? हाँ 50% नगद दिया ना, बाकी चेक दिया ना, बाकी क्या रहा होगा? उधार। तो यहाँ से माल को अलग अलग नहीं करोगे, पढ़ ले करो यार, ठीक है। हाँ बार बार बताया हूँ करके, आज थोड़ा गुस्से में आ गया हूँ मैं, कई बार बोल रहा हूँ ये बात, वही वही बात को बोलो फिर दिमाग खराब होता है, ठीक है। अभी आप बार बार वही वही बात को मेरे को बोलोगे अच्छा लगेगा आप लोगों को, फिर इसी वजह से, ठीक है। कई बार बना चुके हैं, ऐसा वाला कई बार बना चुके, एक बार नहीं 50 बार बना चुके ना, इसे ध्यान रखिए। अलग अलग कर ले, बोलो क्या करूँ? तुम ही लोग बोलो, नगद इधर और उधार इधर, बोलो। हाँ कितना परसेंट? 50%, आधा आधा, चलो इसका आधा करो, कितना आएगा? 1700 और 1700। अच्छा चलिए ठीक है, बताइए नगद छूट कहाँ मिलेगा, इधर कि उधर? अच्छा नगद में चेक वाला नगद है ना, चेक वाला नगद है। हाँ कितना कितना? 5%। किसका 5%? 1700 का 5% कितना आएगा बोलो? 85। घटाओगे कितना आएगा? 1700 में से 85 नहीं आएगा उसका 5%, 10% 170, 170 का आधा 85, निकाल के देख लो, नहीं आता तो ठीक है। घटा लो कितना आ गया? 1615। कितना आ गया? 1615। तो खरीद रहे हो बेच रहे हो? बेच रहे हैं। तो बेच रहे हो तो रोकड़ भुगतान करोगे, प्राप्त करोगे? प्राप्त करोगे। बोलो एंट्री क्या बन सकती है? देखो क्या हो रहा है, कुछ पैसा चेक चेक चेक, बेच रहे हो खरीद रहे हो? खरीद, बेचा बोला यार, बेचा बोला है तो बेचा है तो पैसा आएगा जाएगा, लेकिन यहाँ तो चेक मिल रहा है, तो क्या एंट्री होगा? बैंक खाता विकलन। एंट्री बनेगा बैंक खाता विकलन, समझ में आया? बैंक खाता विकलन। अगर बैंक खाता विकलन हुआ तो बट्टा खाता विकलन, समझ में आ गया? और अभी भी उधार है कि नहीं है, तो बंदे का नाम क्या है? सनत, सनत विकलन। क्या? सनत विकलन। किससे? विक्रय खाते से। किससे? विक्रय खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया तो बताओ। बैंक खाता विकलन कितने रुपए से करूँ? कितने रुपए का चेक प्राप्त हुआ है? चेक प्राप्त हुआ है 1615 रुपए का, समझ आया? बट्टा कित, बैंक बट्टा भी कितना है? 85। और सनत से अभी भी हिसाब किताब कितना बचा है? 1700। कितना बचा है? 1700। सबको जोड़े कितना आ गया? 3400। नहीं आया समझ में? तुरंत एंट्री लिखिए, कमॉन, एंट्री पहले नोट करिए, जल्दी से एंट्री लिखिए, एंट्री लिख लो। वर्किंग नोट के लिए समय दिया जाएगा, अभी एंट्री लिखो, पहले कॉलम में एंट्री लिखो, ऐसी बनाना हमेशा। हो गया एंट्री?
हो गया भाई एंट्री, हाँ हो गया, हाँ बता रहे नरेशन लिखो, नरेशन लिखो, व्यापारी को नगद छूट पर माल का विक्रय एवं आधी राशि का भुगतान चेक चेक द्वारा प्राप्त किया, व्यापारी को नगद छूट पर माल का विक्रय, व्यापारी को नगद छूट पर माल का विक्रय एवं आधी राशि चेक द्वारा प्राप्त किया, 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 आधी राशि चेक द्वारा प्राप्त किया। ऑल राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या लिखा, पढ़ो। नेक्स्ट बच्चों लिखा हुआ है, सुधीर से 6000 रुपये के माल का 20% व्यापारिक अपहार, अपहार मतलब होता है बट्टा, ठीक है, और 2.5% नगद अपहार की शर्त पर खरीदा और आधी देर राशि नगदी भुगतान की, आधी देर राशि क्या बोल रहा है, नगदी भुगतान की, तो बाकी क्या रही होगी, उधार रही होगी, सीधी सी बात है। चलो आप ही लोग बताओ क्या करूँ मैं यहाँ पे, नंबर चार क्या लिखूँ, माल का सूची मूल्य, बोलो कितना लिखूँ, 6000 लिखूँगा, चलिए ठीक है लिख दिया 6000। अब क्या करूँ बोलो तुम ही लोग, हाँ व्यापारिक छूट कितना घटाना है, 20%, 6000 का कितना परसेंट, 20%, कितना आएगा 1200, कितना आ जाएगा घटाने से 4800 आ जाएगा, दिस इज योर वास्तविक मूल्य, क्या आ गया, वास्तविक मूल्य आ गया, नहीं समझे, ठीक है। अब क्या करूँ बोलो इसको भाई, अब कुछ पार्ट आधा पार्ट नगद है, आधा पार्ट क्या है, तो ऐसे से देखो पूरा देता तो तुरंत घटा देते, परंतु ऐसा थोड़ा याद रखे करो, अलग कर ले करो, ठीक है, नगद अलग है और उधार अलग है, समझ में आ गया, तो बोलो नगद कितना, 50%, तो 50% भाई नगद कितना हो रहा है तो निकालो पहले, अलग तो करो, बट्टा बाद में घटाओगे ना, पहले अलग तो करो, 50% है ना, आधा अलग करो पहले, आधी आधी राशि, 4800 का आधा कितना, 2400, ऐसा अलग करो ना, और इधर 50% नहीं था उधार, तो इसको अलग करो कितना, 2400। अब क्या घटाऊंगा बोलो, नगद छूट किस में घटेगा, नगद में, नगद में घटा दो कितना परसेंट, 2.5%, तो निकालो 2400 का 2.5%, तो 2400 का 10% कितना आएगा, 240, 5% कितना आएगा, 120, और 5% का आधा क्या होता है, ढाई, तो ढाई कितना आया, 60, एकदम खटाक से निकल गया, कितना आ गया 60, चलो घटाओ कितना आ गया, 2340, कितना जाएगा, 2340, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बोलो क्या एंट्री बनेगा, लिखो एंट्री, क्रय खाता विकलन, लिखिए एंट्री, क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, फिर क्या होगा, बट्टा खाते से, देन फिर बट्टा खाते से, उसके बाद, हाँ अभी भी उधार है ना, इससे सुधीर से उधार है, तो फिर सुधीर से, नहीं समझे, सुधीर से, सुधीर से लिखिए, अमाउंट फिल करने स्टार्ट करें, अभी क्रय खाता विकलन को भी ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, रोकड़ खाता समाकलन हुआ है ना, तो रोकड़ खाता कितने रुपए समाकलन करोगे, कितना रोकड़ आ रहा है, 2340 समाकलन को रोकड़ खाते से, को लिखे 2340, बट्टा में डालो 60 रुपया, ठीक है, और अभी भी उधार कितना बचा है, 2400 डालो, जितना उधार है बचा लेन देन, ठीक है, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो क्रय खाता विकलन करिएगा 4800 से, समझ में आ गया, नरेशन लिखो, नरेशन लिखो, व्यापारी को नगद छूट पर, व्यापारी को नगद छूट पर माल का क्रय करने पर और आधी राशि भुगतान नगद की, आधी राशि भुगतान नगद चुकाई, आधी राशि भुगतान नगद चुकाई, ठीक है। चलिए वर्किंग नोट अब नोट कर लीजिए फटाफट, अब आप अलग से वर्किंग नोट नोट करिएगा, अभी तक अपन क्या करते थे, एक साथ करते थे, अब अलग अलग करना, चलो वर्किंग नोट अलग से कर लो, चलो करो वर्किंग नोट, नोट कर लो वर्किंग नोट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं अपन लोग, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 में क्या लिखा हुआ है, कहता है 15 नंबर में राम से 5000 रुपये लेने थे, ध्यान देना क्या लिखा, राम से 5000 लेने थे, उससे पूर्ण हिसाब में 4700 रुपये ले लिए, 3000 पूर्ण हिसाब, इसका मतलब क्या हुआ, बट्टा, और उसका हिसाब किताब कितना था, और मंग और लिए कितना अपन, कितने का डिफरेंस है, क्या होगा ये बट्टा, क्या एंट्री बनेगा, पैसा आ रहा है जा रहा है, दिमाग खराब है, आ रहा है पैसा आ रहा है, क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन किससे, राम से, लिखिए रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राम से, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राम से, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राम से, कमॉन
रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राम से, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन राम से, हो गया जी। रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन किससे? राम से, ठीक है। चलिए कोई परेशानी यहाँ तक? तो चलो अमाउंट फिल करें। बोलो रोकड़ खाता विकलन कितने रुपए से करोगे? 4700। लिखो 4700। बट्टा में कितना? 300। दोनों को जोड़कर कितना? 5000। किस में जाएगा? राम से में चला जाएगा। लिख दीजिए समाकलन में, अमाउंट फिल करना आता है ना, ठीक है। चलिए नरेशन लिखिए, नरेशन लिखिए, नरेशन लिखो। राम से पूर्ण हिसाब में प्राप्त करने पर, राम से पूर्ण हिसाब में प्राप्त किया, राम से पूर्ण हिसाब में प्राप्त किया, ठीक। आगे बढ़े, चलिए बताइए नेक्स्ट। अजय को 2000 रुपए के पूर्ण हिसाब में 1800 रुपए दे दिए। अजय को 2000 के पूर्ण हिसाब में 1800 दे दिए। बोलो बट्टा कितना? 200। क्या एंट्री बनेगा? पैसा आ रहा है जा रहा है? तो क्या एंट्री बनेगा? वेरी गुड। अजय विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, जल्दी लिखो। अजय विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से, ऑल राइट। अजय विकलन रोकड़ खाते से बट्टा खाते से, ठीक है। नरेशन लिखना, ए अभी पहले लिख लो, हो गया। बोलो अजय विकलन को बाद में करोगे, पहले बाकी अमाउंट को, जब भी एंट्री होती ना तो बाकी जो अदर एंट्री उसको पहले कवर करो। तो रोकड़ खाता समाकलन कितने से होगा? 1800। चलो रोकड़ खाता समाकलन करिए 1800 से, कर दिए। बट्टा में कितना? 200 डालिए बट्टा में, डाल दिए। दोनों को जोड़कर कितना? 2000 डाल दीजिए। 2000 नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए नरेशन लिखिए, नरेशन लिखिएगा। अजय को पूर्ण हिसाब में चुकाए, अजय को पूर्ण हिसाब में चुकाए। नरेशन लिखना समझ में नहीं आता ना, जो लिखा उसी को अमाउंट छोड़ के बाकी सब लिख दे करो, ठीक है। अमाउंट भर मत डाले कौन नरेशन में कभी भी, ठीक है। आगे सुनो उसने क्या लिखा है। नेहा को 10000 रुपए के सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा और 10% नगद बट्टे पर बेचा और उसने आधी राशि नगद दी। बेचा ना, क्या करेंगे? चलो आप ही लोग बताओ, वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। तो बोलो वर्किंग नोट में जाके क्या लिखोगे? बोलो माल का सूची मूल्य कितना लिखोगे? 10000। फिर क्या करूँ? बोलो व्यापारिक छूट कितना? 20%। कितना? 2000 घटा दिए, कितना आया? 18। वास्तविक मूल्य आ गया। अब क्या करूँ? बोलो हाँ घटा दूँ? इतना थप्पड़ मारेंगे तुम लोगों को। हाँ पहले अलग करेंगे, क्या करेंगे? अलग करेंगे। हाँ अलग करें तो क्या बोल रहा? आधी राशि ना, तो आधा आधा अलग कर लो। आधी राशि मतलब 50% राशि जो रहेगी नगद है और बाकी 50% उधार है, समझ में आया। चलो आधा आधा करो, कितना आएगा? इधर 9000 और इधर 9000। बोलो पहले किस में घटाओगे? नगद में घटाओगे। कितना घटाओगे? 10% नगद छूट घटा दो। 10% निकालो, 9000 का 10% 900 घटाइए, 900 कितना आएगा? 8100। कितना आया? 8100। भुगतान किए, प्राप्त किए, भुगतान किए। क्या लिखेंगे? रोकड़ भुगतान। पैसा जा रहा आ रहा है, खरीदे हो ना तो पैसा जाएगा ना भाई। चलिए एंट्री बोलिए क्या हो सकता है, आप ही बताइए एंट्री। कुछ पार्ट नगद है, कुछ पार्ट उधार है। बोलो एंट्री क्या होगा? माल आ रहा है, जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ खाते से, बट्टा खाते से और नेहा से। लिखिए नेहा से। मुस्कुरा क्या है? नेहा का नाम सुन के हरीश है, मुस्कुरा रहा है। अच्छा समझ लो, ठीक है। हो गया। क्रय खाता विकलन लिखो, लिखो, टाइम पास नहीं। लिखो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, बट्टा खाते से और नेहा से। लिख लिए क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से, बट्टा खाते से और नेहा से। अमाउंट फिल करें। बोलो पहले जो बाकी अमाउंट है उसको फिल करेंगे। बोलो रोकड़ खाता समाकलन कितने से करोगे? 8100। पैसा जा रहा है ना। बट्टा खाता समाकलन कितने से करोगे? 900 से। लिखो 900। भाई कैसे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो भाई, ठीक है। इसके बाद अभी भी उधार कितना है? 9000। लिखो 9000। क्या नाम है उसका? नेहा। नेहा से 9000, तब को जोड़ के क्रय खाता विकलन कितना? 18000। समझ आया कि नहीं आया? आगे अच्छे से चलिए नंबर 4 में आ जाए।
नरेशन नरेशन में बार बार बताऊं, व्यापारी को नगद छूट पर माल का आधी माल का क्रय करने पर आधी राशि नगद चुकाई प्राप्त, हाँ नगद चुकाई, आधी राशि नगद चुकाई व्यापारी को एवं नगद छूट पर माल का क्रय करने पर एवं आधी राशि नगद चुकाई, एवं आधी राशि नगद चुकाई, आधी राशि क्या चुकाई, नगद चुकाई, लिख लिए ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट में आ जाऊँ, क्या लिखा पढ़ो, आशीष से 10,000 रुपए के बीजक मूल्य का माल, बीजक मूल्य मतलब होता है सूची मूल्य या विक्रय मूल्य, बीजक मूल्य बोलो सूची मूल्य बोलो या क्या बोलो विक्रय मूल्य बोलो, सबका मतलब एक ही है, 20% व्यापारिक छूट और 12% नगद छूट पर खरीदा और कुल राशि का 75% भुगतान किया, तो कितना नहीं किया, 25 नहीं किया, किसमें जाएगा उधार में, तो देखो सेम ऐसी बनेगा, सबसे पहले क्या लिखोगे सूची मूल्य, माल का क्या लिखेंगे सूची मूल्य, बोलो माल का सूची मूल्य कितना है 10,000 है, उसमें क्या घटाएंगे पहले व्यापारिक छूट घटाया जाएगा, कितना परसेंट 30%, तो 10,000 का 30% कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, आ गया 3,000, 20% है तो 20% घटा दो कितना आ गया 2,000, घटेगा कितना आया 18,000, आया कि 8,000 आया कि नहीं आया, ये आ गया वास्तविक मूल्य, क्या आ गया माल का वास्तविक मूल्य, अब क्या करोगे, अब इसमें कुछ राशि नगद है कुछ राशि उधार है, तो इसको अलग कर लोगे, क्या करोगे अलग करोगे, तो कुछ पार्ट नगद है और कुछ पार्ट क्या है उधार है, नगद अलग अलग कर लो पार्ट को, समझ गए, अलग अलग कर लो, तो बोलो नगद पार्ट कितना है 75% और उधार पार्ट 25% है, ठीक है, तो 8,000 का 75% निकाल लो, चलो 8,000 का 75% निकालिए, 8 का 25% निकालोगे तो 8 × 16 = 2,000, 6,000 आ जाएगा, 75% कितना आएगा 6,000 और उधार पर 25% आएगा 2,000, बोलो नगद छूट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, माइनस करेंगे नगद छूट, क्या करेंगे माइनस नगद छूट करेंगे, कितना परसेंट 12%, ठीक है, तो 6,000 का 12% आप लोग निकालोगे, समझ गए, 12 कितना आ जाएगा 12 × 72 720 आ जाएगा, ठीक है घटा दीजिए 720, 6,000 में 700 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5,300 में 20 घटाएंगे तो 5,280, कितना आ गया 5,280, ये क्या है रोकड़ प्राप्त कर रहे हो, बेच रहे हो खरीद रहे हो, बेचा है खरीदा है, भुगतान किया मतलब खरीदा है, तो रोकड़ भुगतान किए होंगे, रोकड़ भुगतान किए, खरीदे हो बेचे हो ना, खरीदे हो, बताओ क्या एंट्री बनेगा, कुछ पार्ट नगद है कुछ पार्ट उधार है, बोलो एंट्री, क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाते से, बट्टा खाते से, और नाम क्या है इसका आशीष से, लिखो चलो जल्दी लिखो, लिखो जल्दी से, क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाते से, क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाते से, बट्टा खाते से, आशीष से, लिख दिए, क्रय खाता विकलन, रोकड़ खाते से, बट्टा खाते से, और किससे आशीष से, हो गया, बताओ क्रय खाता विकलन बाद में करेंगे, पहले रोकड़ खाता समाकलन कितने से होगा 5,280, लिखिए 5,280, रोकड़ खाता समाकलन करिए 5,280 कर दिए, इसके बाद बच्चों बट्टा में कितना जाएगा 720 लिखिए 720 बट्टा में, और अभी भी उधार कितना है 2,000 डालिए उसमें आशीष में डाल दिए, सबको जोड़कर कितना 8,000, क्रय खाता विकलन कर दो 8,000 से, हो गया 8,000, नहीं हुआ नरेशन लिखो, नरेशन लिखो, नरेशन लिख लो, नगद माल का विक्रय, सॉरी व्यापारी को नगद छूट पर, व्यापारी को नगद छूट पर, व्यापारी को नगद छूट पर माल का क्रय करने पर और कुछ राशि नगद चुकाई, 75% राशि नगद चुकाई लिखना, 75% राशि नगद चुकाई लिख लिए, 75% राशि क्या चुकाई नगद चुकाई, लिख लो जल्दी से नगद चुकाई, नहीं समझे, हो गया जी, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, चलो अगला पढ़ो फिर क्या लिखा है, ध्यान दो पांचवा नंबर देखो क्या लिखा है पढ़ो, हाँ पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर मतलब छूट पर 15,000 के सूची मूल्य का माल खरीदा, क्वेश्चन पढ़ता हूँ ध्यान उसमें देंगे, इधर उधर ध्यान नहीं समझना, पहले पवन से 20% व्यापारिक कटौती पर 15,000 रुपये के सूची मूल्य का माल नगद खरीदा मतलब नगद नहीं खरीदा से क्या किया खरीदा, क्या इसमें जिक्र किया उधार है नगद है, क्या है उधार है, क्या है उधार है, क्या है वास्तविक मूल्य है 15,000, नहीं सर वास्तविक मूल्य है क्या बोलो, नहीं है सर, क्या करना पड़ेगा पहले आपको, सूची मूल्य कितना रुपया है 15,000 है, और सूची मूल्य कभी वास्तविक मूल्य होता नहीं है, तो 15,000 में पहले आप व्यापारिक छूट घटाओगे, कितना आएगा व्यापारिक छूट बोला है
20%, तो कितना आएगा 3000, घटाओ कितना आ गया माल का मूल्य 12000, तो माल की जो एंट्री होगी वो कितने रुपए से एंट्री होगी, 12000 से एंट्री होगी, कितने से एंट्री होगी 12000, तो माल खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो, लिखो क्रय खाता विकलन पवन से, लिखिए क्रय खाता विकलन किससे, पवन से लिख लीजिए, क्रय खाता विकलन पवन से, क्रय खाता विकलन किससे, पवन से लिखे, क्रय खाता विकलन किससे, पवन से, ठीक है, हाँ, तो क्रय खाता विकलन पवन से अमाउंट कितना फिल करेंगे 12000। कभी भी याद रखना, जब भी सूची मूल्य और व्यापारिक पट्टे का जिक्र करेगा, पता है घटा लेना, वास्तविक मूल्य निकाल के लिखना, 50 बार बोल रहा हूँ, समझ गए, ओके, ये तो मारेंगे तुम लोग, ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन को 1000 के सूची मूल्य का माल वापस किया, पवन को 1000 नैरेशन लिख लिया उधार माल का क्रय करने पर, इसका पवन को 1000 के सूची मूल्य का माल वापस किया, बोलो क्या एंट्री बनेगा, बोलो बोलो बोलो, वापस कर रहे हो ना माल, बोलो क्या एंट्री, विक्रय वापसी खाता विकलन, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलोगे, सोच समझ के बोलो भाई, सोच समझ के बोलो, पवन को आप वापस कर रहे हो, वो वापस कर रहा है, हाँ, सोच सोच के, सोच के, सोच के बोलो, हाँ आप वापस कर रहे हो, हाँ हाँ, आप सोच के कैसे सही फूटा, सोचना है ना, दिमाग काम पे लगाना है भैया, दिमाग को मोबाइल में नहीं लगाना है, काम पे लगाओ, है ना, क्या बोले, पवन विकलन क्रय वापसी खाते से, लिख लीजिए एंट्री, पवन विकलन क्रय वापसी खाते से, कम ऑन, पवन विकलन क्रय वापसी खाते से, लिखिए लिखिए लिखिए, हाँ भाई, पवन विकलन क्रय वापसी खाते से लिखिए, जल्दी लिखिए, पवन विकलन क्रय वापसी खाते से, एनी डाउट, अच्छा एक बात बताओ, अमाउंट कितना लिखोगे, 1000, पक्का पक्का, जो सही बताएगा 5 रुपये इनाम, क्या लिखा उसमें, 1000 सूची मूल्य लिखा, ठीक से पढ़ो, तो सूची मूल्य का रियल मूल्य होता है, नो सर, रियल मूल्य तो नहीं होता, तो फिर क्या करना चाहिए, व्यापारिक छूट घटाना चाहिए सर, तो कितना घटाएंगे, 20%, वेरी गुड, कैसे पता चला सर 20%, क्योंकि पहले खरीदे थे, ये ध्यान रखना, यही पॉइंट है, ऐसी क्वेश्चन आएगा, समझ गए, तो देखो यहाँ पे नंबर 6 क्या लिखना, सूची मूल्य, सूची मूल्य कितना पवन के केस में, वही क्रय वापसी केस में 1000 है ना सूची मूल्य, क्या भाई जब खरीदे थे सूची मूल्य पे तो वापस भी तो सूची मूल्य पे, मतलब खरीदे थे जब वास्तविक मूल्य पे तो वापस भी किस पे करोगे, वास्तविक पे ना करोगे, क्या लिखेंगे, व्यापारिक छूट, क्या करेंगे, व्यापारिक छूट कितना परसेंट, 30 20, हाँ 20 था ना पहले भी, तो 20 कितना आएगा, 200 आएगा, कितना आएगा 800, ठीक है, क्या आ गया वास्तविक मूल्य आ गया, देन अमाउंट में फिल कितना करोगे 800, चलो 800 डालो, लिखना माल की वापसी करने पर, नरेशन लिख लेना माल की वापसी करने पर, इस प्रकार क्वेश्चन का समाप्त हो गया, टोटल आप लोग कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से अलग से पेज में वर्किंग नोट छाप लो। चलिए बच्चों देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को मैं आपको बनवाऊंगा नहीं बल्कि हिंट करूंगा, आपको खुद बनाना है, ठीक है, चलो सुन लो क्या लिखा है, निम्न व्यवहारों को सतना के रामगोपाल दैनिक की पंजी में लिखिए, व्यापार प्रारंभ किया माल से और नगद से, क्या एंट्री बनेगा, क्या आ रहा है व्यापार में, माल आ रहा है, स्कंद खाता विकलन, और क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ खाता विकलन किससे, पूंजी खाते से बन जाएगा, लिखना नहीं समझना है भैया, ठीक है, इसके पश्चात देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, सुरेश से 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर 1000 रुपये का माल नगद खरीदा, देखो नगद खरीदा बोल रहा है, क्या करोगे पहले, सूची मूल्य लिखोगे, व्यापारिक छूट घटाओगे, और सारा पैसा बोल रहा है इसमें, तो ये नहीं बोला आधा राशि पौना राशि बोला क्या, तो फिर नगद छूट घटाओगे फिर घटा दोगे, एंट्री क्या बनेगा, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से बन जाएगा, ठीक है, सिंपल हिसाब किताब है। दिनेश को 5% व्यापारिक छूट और 1500 रुपये का माल बेचा, 5% व्यापारिक छूट पर 1500 रुपये का माल बेचा, तो क्या करोगे, 1500 पहले व्यापारिक छूट घटा लोगे, फिर बोल रहा है जिसके पूर्ण भुगतान में 20% नगद छूट दी, देखिए नगद छूट इस बार लिख कर दे दिया है, तो परसेंट नहीं निकालोगे, सीधा 20 रुपये क्या कर दोगे, वास्तविक मूल्य में घटा दोगे, खरीदा बेचा है, बेचा है, तो क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से, समझ में आ गया, बन जाएगा। एंड देन फाइनली निजी प्रयोग हेतु 100 रुपये का माल और 200 रुपये रोकड़ निकाले, निजी प्रयोग हेतु, बोलो क्या एंट्री बनेगा, हाँ हाँ, और बट्टा कहाँ से आ गया, माल क्रय खाते से, आरण खाता विकलन रोकड़ खाते से और क्रय खाते से, नहीं आया समझ में, बन जाएगा, ठीक है, चलिए तो चलिए फिलहाल आज यहीं तक का अपन समाप्त करते हैं, इसको बनाइए तुरंत से, कंप्लीट कर लीजिए, और आपको बाकी आपको अपने बुक का जो भी क्वेश्चंस होगा वो बड़ी आसानी से क्या होगा, एग्जांपल्स वगैरह बनेगा, ठीक है, बाकी हम होमवर्क सेंड करेंगे, उसको भी आप लोग बनाएंगे, ठीक है, चलिए थैंक यू।